नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले एक बड़ी खबर सीतापुर से, यहां पर रोडवेज बस में लगी भीषण आग, डीजल टैंक लीक होने से आग लगी, यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है, 10 यात्री घायल हुए हैं। लखनऊ से लखीमपुर खीरी ये बस जा रही थी और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। तो देख सकते हैं कितनी भीषण थी आग। हरगांव थाना क्षेत्र का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां यात्रियों को कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, 10 यात्री घायल हुए हैं और लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब यह आग बन गई। डीजल टैंक लीक हुआ जिसकी वजह से यह हादसा बड़ा बन गया, यात्रियों को कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी। 10 यात्री घायल भी हुए हैं जानकारी के अनुसार। हरगांव थाना क्षेत्र का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही दमकल की टीम को आग के बारे में जानकारी मिली तो उसके बाद टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया।